हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ हॉकी के इतिहास के बारे में। दोस्तों, गेमों के इतिहास के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएलटी कुछ भी हो। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा एंड पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हॉकी के इतिहास के बारे में फुल डिटेल में। इससे बाहर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन इतिहास से संबंधित हॉकी से नहीं पूछेगा, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, हॉकी की शुरुआत का उल्लेख कहाँ पे होता है, यानी कहाँ से इसकी शुरुआत हुआ? तो सबसे पहले जानते हैं कि 250 ईसा पूर्व में एक मकबरे से इसका साक्ष्य मिला है, यानी मकबरे पर गड़े हुए चित्र में पुराने ढंग की एक बूली थी जो इस प्रकार से दर्शाई जाती थी, ठीक है, जो इस प्रकार से दर्शाई गई थी, जिसमें मुड़े हुए दो डंडे दो खिलाड़ियों सहित बने हुए थे। तो यहीं से हॉकी का साक्ष्य मिलता है। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि आधुनिक हॉकी का शुरुआत कैसे हुआ। वो तो बहुत पुराने समय की बात है। जो आधुनिक हॉकी हमारे समक्ष है, उस हॉकी की शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? तो दोस्तों, आधुनिक हॉकी खेलों का जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड है। दोस्तों, इंग्लिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना जो है 16 अप्रैल 1875 में लंदन के कैनल स्ट्रीट होटल में हुआ। कब हुआ इंग्लिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना? 16 अप्रैल 1875 में लंदन के कैनन स्ट्रीट होटल में हुआ। दोस्तों, इसी इंग्लिश हॉकी एसोसिएशन के स्थापना के साथ ही हॉकी का हकीकत में शुरुआत होता है, यानी कि हकीकत में हॉकी का शुभारंभ यहीं से इंग्लिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना के साथ ही शुरू होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इंग्लिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? तो 16 अप्रैल 1875 में। कहाँ हुआ? तो लंदन के कैनन स्ट्रीट होटल में, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, आधुनिक हॉकी खेलों का जन्मदाता कौन है? तो इंग्लैंड। इंग्लिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? तो 16 अप्रैल 1875 में लंदन के कैनन स्ट्रीट होटल में। नेक्स्ट है, ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ। ये हॉकी का प्रथम क्लब है, ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब। ज्यादातर ऐसा नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है कि ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना कब हुआ? तो 1861 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, टेडिंगटन हॉकी क्लब की स्थापना 1871 में हुआ। कब हुआ? 1871 में टेडिंगटन हॉकी क्लब की स्थापना हुआ। हॉकी का सबसे पुराना क्लब है ये टेडिंगटन हॉकी क्लब। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछता है कि टेडिंगटन हॉकी क्लब का संबंध किस खेल से है? तो यदि आप पढ़े रहेंगे तभी तो बता सकते हैं कि इस क्लब की का संबंध किस खेल से है। तो टेडिंगटन हॉकी क्लब का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। सबसे पुराना क्लब हॉकी का है टेडिंगटन हॉकी क्लब। इसकी स्थापना 1871 में हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप हॉकी के ग्राउंड में डी होता है, यानी एक अर्धवृत्त होता है, उस अर्धवृत्त का प्रयोग जो है 9 दिसंबर 1876 में टेडिंगटन क्लब द्वारा ही शुरुआत किया गया था। तो उस डी एरिया यानी अर्धवृत्त का शुरुआत 9 दिसंबर 1876 में टेडिंगटन क्लब द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब खेला गया? तो 26 जनवरी 1895 में रॉयल इंग्लैंड में वेल्स और आयरलैंड के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेला गया 26 जनवरी 1895 में, ठीक है।
नेक्स्ट है इंग्लैंड ओलंपिक में कब भाग लिया। इंग्लैंड जो है ओलंपिक में 1948 में खेलना शुरू किया। एंड हॉकी के नियम कब बने, हॉकी के नियम जो है 1883 ईस्वी में विंबलडन हॉकी क्लब के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, विंबलडन हॉकी क्लब के द्वारा 1883 ईस्वी में हॉकी के नियम बनाया गया। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विंबलडन हॉकी क्लब किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। हॉकी के नियम कब बनाया गया, 1883 ईस्वी में विंबलडन हॉकी क्लब द्वारा, और इसकी मान्यता 1886 में हॉकी एसोसिएशन द्वारा दिया गया। एंड नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट मोलसी क्लब की स्थापना कब हुआ, तो 1887 ईस्वी में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट मोलसी क्लब जो है महिलाओं का पहला हॉकी क्लब है, ठीक है। ईस्ट मोलसी क्लब जो है महिलाओं का पहला हॉकी क्लब है और इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ था। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि महिलाओं का पहला हॉकी क्लब कौन है, तो ईस्ट मोलसी क्लब। एंड इस प्रकार से भी पूछेगा कि ईस्ट मोलसी क्लब की स्थापना कब हुआ, तो 1887 ईस्वी में। इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ईस्ट मोलसी क्लब किस खेल से संबंधित है, तो आपका हॉकी से, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन हॉकी एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन हॉकी एसोसिएशन यानी IFWHA, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन हॉकी एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुआ। एक तो था विश्व स्तर पर। दोस्तों भारत के इतिहास में के बारे में, यानी भारत में हॉकी का क्या इतिहास रहा, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों भारत में हॉकी की शुरुआत जो है अंग्रेजों द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, अंग्रेजों द्वारा किया गया, ठीक है। अब भारत में सर्वप्रथम हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई, तो भारत में सर्वप्रथम हॉकी क्लब की स्थापना कलकत्ता में 1885-86 में हुआ, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम हॉकी क्लब की स्थापना कलकत्ता में 1885-86 में हुआ, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि भारत जो है हॉकी टीम, यानी भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया, तो 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता था। 1928 को भारत का गोल्डन ओलंपिक भी कहा जाता है। जैसा कि अभी तक हॉकी में भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं, ठीक है, उसमें से 8 आपकी गोल्ड मेडल हैं, 2 रजत पदक हैं, 1 रजत पदक है एंड 3 आपके कांस्य पदक हैं, जो कि आप सभी जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहली बार भाग 1928 में हुआ लिया। जयपाल सिंह उस समय कप्तान थे। अब भारतीय महिलाओं ने हॉकी में कब भाग लिया ओलंपिक में, तो 1980 मास्को ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने हॉकी में भाग लिया। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय टीम ने शंकर लक्ष्मण की कप्तानी में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। कब जीता, 1966 के बैंकॉक एशियाई खेलों में। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियाई खेलों में 1966 के बैंकॉक एशियाई खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। किसके कप्तानी में, शंकर लक्ष्मण की कप्तानी में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछ सकता है कि भारतीय हॉकी टीम ने किस एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, तो 1966 के बैंकॉक एशियाई खेलों में। किसकी कप्तानी में जीता था, तो शंकर लक्ष्मण की कप्तानी में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुआ। दोस्तों यह ध्यान रखने वाली बात है कि भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुआ, 1975 में, ठीक है। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुआ, 1975 में, जबकि विश्व स्तर पर आपने जाना ईस्ट मोलसी क्लब, महिलाओं का पहला हॉकी क्लब 1887 में हुआ था। एंड भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना 1975 में, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों भारत की प्रथम प्रतियोगिता बैटन कप, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बैटन कप है, इसको कभी मत भूलिएगा। बैटन कप यानी भारत की हॉकी की पहली प्रतियोगिता बैटन कप है, जिसकी शुरुआत 1895 में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सीधी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बैटन कप किस खेल से संबंधित है, तो आपका हॉकी से संबंधित है,
ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार की चीजों को लोग अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, तो बैटन कब किस खेल से संबंधित है, तो भारत हॉकी से संबंधित है। ठीक है, और हॉकी का भारत की प्रथम प्रतियोगिता कौन है, बैटन कप, ये भी ठीक है। दोस्तों ये था भारत विश्व के इतिहास के बारे में कुछ। अब मैं कुछ हॉकी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी। जैसे कि दोस्तों आधुनिक हॉकी का जन्मदाता कौन है, इंग्लैंड, ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व हॉकी संघ की स्थापना कब हुआ, विश्व हॉकी संघ यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी FIH, तो विश्व हॉकी संघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। कब हुआ, 7 जनवरी 1924 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। अब वर्तमान में इसके 119 देश सदस्य हैं। विश्व हॉकी संघ के प्रथम अध्यक्ष पॉल लियांटसी थे फ्रांस के, एंड वर्तमान अध्यक्ष आप सबको पता होगा नरेंद्र बत्रा है। नरेंद्र बत्रा दोस्तों भारत विश्व हॉकी संघ के भी अध्यक्ष हैं, एंड IOA यानी IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं। विश्व हॉकी संघ का मुख्यालय जो है लोसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, विश्व हॉकी संघ का मुख्यालय कहाँ है, लोसाने स्विट्जरलैंड में है। अब ये हुई बात विश्व हॉकी संघ की। अब बात करते हैं भारतीय हॉकी संघ यानी इंडियन हॉकी फेडरेशन IHF। भारतीय हॉकी संघ इंडियन हॉकी फेडरेशन IHF की स्थापना 1925 नई दिल्ली में हुआ। जैसा कि दोस्तों विश्व हॉकी संघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुआ, एंड भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1925 को हुआ। तो विश्व हॉकी संघ, भारतीय हॉकी संघ, आप 1924-25 ऐसे याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि एक वर्ष पहले विश्व हॉकी संघ, एक वर्ष बाद भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुआ। तो 1925 में भारतीय हॉकी संघ नई दिल्ली में स्थापना हुआ। अब प्रथम अध्यक्ष भारतीय हॉकी संघ के कर्नल ब्रूस टर्नवाल थे। अब वर्तमान अध्यक्ष RK सेठी जी हैं। मुख्यालय नई दिल्ली है, नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली भारतीय हॉकी संघ का, IHF का, इंडियन हॉकी फेडरेशन। तो दोस्तों जो विश्व हॉकी संघ है यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी है यानी FIH है, तो विश्व हॉकी संघ FIH ने भारत के दो हॉकी संघों को मान्यता दे रखी है। एक आपका भारतीय हॉकी संघ हो गया, इंडियन हॉकी फेडरेशन IHF, जिसकी स्थापना 1925 नई दिल्ली में हुआ था, एंड दूसरा है HI यानी हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया का गठन 20 मई 2009 को हुआ। ठीक है, हॉकी इंडिया का गठन कब हुआ, 20 मई 2009 को हुआ। ठीक, और हॉकी इंडिया का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ठीक, तो इस सबका स्थापना दिवस आपको जरूर याद रखना है। दोस्तों हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पुरुष हॉकी को ओलंपिक में 1908 लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया। पुरुष हॉकी को कब शामिल किया गया, 1908 लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया, एंड महिला हॉकी को 1980 मास्को रूस ओलंपिक में शामिल किया गया। ठीक है, तो महिला हॉकी को मास्को 1980 ओलंपिक में शामिल किया गया महिला को, 1908 लंदन ओलंपिक में पुरुष हॉकी को शामिल किया गया। ठीक है, तो 880 ऐसे करके महिला पुरुष 880। ठीक है, तो 1908 लंदन ओलंपिक में पुरुष हॉकी को शामिल किया गया, 1980 मास्को रूस में ओलंपिक में महिला हॉकी को शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया, तो पुरुष हॉकी को एशियाई खेलों में 1958 टोक्यो जापान में शामिल किया गया, एंड महिला हॉकी को 1982 नई दिल्ली भारत में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुआ, तो प्रथम हॉकी विश्व कप पुरुष की शुरुआत 1971 बार्सिलोना स्पेन से शुरू हुआ, एंड प्रथम महिला विश्व कप की हॉकी की शुरुआत 1974 मेंडेलियो फ्रांस में शुरू हुआ। तो 71-74 इसको जरूर याद करिएगा कि पुरुष हॉकी विश्व कप की स्थापना 1971 बार्सिलोना स्पेन से शुरू हुआ, महिला हॉकी विश्व कप की स्थापना 1974 मेंडेलियो फ्रांस से शुरू हुआ। नेक्स्ट है आगामी विश्व कप प्रतियोगिता जो है 2008 में उड़ीसा भारत में हुआ था। नेक्स्ट आपका 2022 में होगा। प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता हॉकी में, जैसा कि आप सबको पता होगा, पृथ्वीपाल सिंह पुरुषों में है, एंड कुमारी एन लम्सडेन महिलाओं में है। ठीक है, तो पुरुषों में प्रथम अर्जुन अवार्ड हॉकी में विजेता आपकी पृथ्वीपाल सिंह है, महिलाओं में
कुमारी एन लवजेन है, इन दोनों को 1961 में दिया गया अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार हॉकी में गुरुदयाल सिंह भंगू को दिया गया 2000 में। प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता गुरुदयाल सिंह भंगू 2000 में। एंड हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता दोस्तों पुरुष रंगास्वामी कप एंड महिला रेडी रतन टाटा कप। दोस्तों इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को ध्यान में ऐसे रखना है कि कौन पुरुष प्रतियोगिता है कौन महिला प्रतियोगिता है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन पूछते समय एग्जाम में कंफ्यूज करता है। तो कौन प्रतियोगिता पुरुषों का है कौन महिला का है इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि हॉकी का राष्ट्रीय प्रतियोगिता पुरुष के लिए रंगास्वामी कप और महिला के लिए रेडी रतन टाटा कप। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि रंगास्वामी कप संबंधित है पुरुष हॉकी से महिला हॉकी से, तो आपको ये याद रहेगा तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो पुरुष प्रतियोगिता है रंगास्वामी कप राष्ट्रीय एंड महिला लेडी रतन टाटा कप। तो दोस्तों ये था हॉकी के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर इस हॉकी के इतिहास से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। जो भी अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हॉकी से रूल्स से लेकर यानी गेमों के बहुत सारे गेम्स हैं उन सबके इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में भी मैं वीडियो आगे बनाऊंगी। बट पहले सभी गेमों के हिस्ट्री को मैं कंप्लीट करने के बाद जितने भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं चाहे वो टूर्नामेंट हो गया स्पोर्ट्स मेडिसिन हो गया डोपिंग हो गया एंड स्पोर्ट ट्रेनिंग हो गया टेस्ट एंड मेजरमेंट हो गया इन सब टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बनाऊंगी। बस आप चैनल पे बने रहिए, आपको हर एक टॉपिक डिटेल में मिलेगा, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको मेरा वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।